नमस्कार श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ की यूट्यूब चैनल प्रमुख प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कवि घनानंद जी के पदों की व्याख्या विगत वीडियो से हम कर रहे हैं। चलिए घनानंद जी के जो महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या है यहाँ पर की जा रही है, महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या यहाँ पर की जा रही है। देखिए आज का जो पद है वो देखते हैं कि प्रेम सदा अति ऊंचो लहे सु कहे ही बाती की बात चकी सुनी के सब के मन लालची दोरे पे भोरे लखे सब बुद्धि चकी जग की कविताई के धोखे रहे जग की कविताई के धोखे रहे हवा प्रवीणिनी की मती जाती जकी समुझे कविता घन आनंद की ये आँखिन नेह की पीर तकी समुझे कविता घन आनंद की ये आँखिन नेह की पीर तकी। तो सवैया छंद है और इस पद में बहुत सुंदर बात कही है। देखिए प्रसंग में क्या लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश कवि घनानंद जी द्वारा रचित सुजान शीर्षक से ये अवतरित है और इस पद में घनानंद जी ने ये बात बताई है कि जो काव्य का मर्मज्ञ होगा वो उसकी क्या विशेषता, उस विशेषता घनानंद जी को काव्य के मर्मज्ञ मानते हुए और उसकी विशेषता को ब्रजनाथ स्वयं जो कहते हैं इस प्रकार की यहाँ पर कल्पना की गई। ब्रजनाथ ने कहा है कि जो उच्च कोटि का प्रेमी है वह जो प्रेम की व्यथा का अनुभव करने वाला है वही व्यक्ति घनानंद की कविता को समझ सकता है। जो उच्च कोटि का प्रेमी है, जो प्रेम की पीड़ा और वेदना हो जानता हो वही घनानंद जी की कविता को समझ सकता है, वही घनानंद जी कविता का मर्म को जान सकता है। तो ये इसका अर्थ ये प्रसंग है। व्याख्या देखिए, प्रेम सदा अति ऊंचो, ऊंचो मैंने श्रेष्ठ, ऊंचो मैंने श्रेष्ठ, लय मैंने प्राप्त करना, सु मैंने वह, ठीक है, अति मैंने अत्यधिक, अत्यधिक उच्च कोटि का जो प्रेम है, कहे मैंने कहते यही मैंने इसी प्रकार से, यही भांति मैंने इसी प्रकार की बात छकी, छकी का मतलब वैसे मस्त होता है लबालब, यहाँ इसका मतलब लबालब या मस्त, और सुनी के मैंने सुन करके, सुनी के मैंने सुन करके, सबके मन लालच दोरे, मन में लालसा उत्पन्न हुए, दोरे मने दौड़े, लालसा उत्पन्न हुए, दोरे का मतलब उत्पन्न होना, दौड़ना, पे मन परंतु, बोरे बोरे का अर्थ होता है अनभिज्ञ, जो जानते नहीं, लखे मन देखना, सभी बुद्धि चकी, चकी मन चकित होना, चकित होना, चक्कर में पड़ जाना, चकित होना, और जग की कविता है मैंने संसार की जो कविता है, यहाँ पर कवि रीतिबद्ध कवियों के बारे में कह रहा है, जो रीतिबद्ध कवि है संसार के, वो रीतिबद्ध कवि जो तुकबंदी करते हैं उनकी कविता है कि धोखे धोखे मैंने भ्रम में न रहे, हया हया का मतलब यहाँ, प्रवीणिनी मैंने विद्वान की मति मैंने बुद्धि, बुद्धि जाति जकी, जकी मैंने चक्रित हो जाती है या फिर भ्रमित हो जाती है, और समुझे कविता घन आनंद की, जो समझता है घनानंद मैंने कविता, घनानंद कविता की ही है मैंने हृदय की आँखों से, ने है मैंने प्रेम की आँखों में प्रेम की पीड़ा तकी मैंने देखा है। अब देखो इसका अर्थ हम देखते हैं, घनानंद जी कहते हैं कि जो सदैव उच्च कोटि का जो प्रेम है वो प्राप्त करे, प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, जो प्रेम को सदैव उच्च कोटि का जो प्रेम है वो प्राप्त करे या सदैव उच्च कोटि के प्रेम को जो जानता हो, अर्थात जो सदैव उच्च कोटि का प्रेमी रहा हो, और जो उच्च कोटि के प्रेम से कहे ही भांति बात चकी, इसी प्रकार से यानी उच्च कोटि की बात से भरपूर प्रेम की बातों को, जो उच्च कोटि से भरा हुआ जो प्रेम है, लबालब भरा हुआ प्रेम है, ऐसे उच्च कोटि के प्रेम से लबालब भरी हुई बातों को जो कहता है, सुनी के सब के मने, और उसकी बातों को सुनकर सभी के मन में लालसा उत्पन्न हुए, सभी के मन में उच्च कोटि के प्रेम को प्राप्त करने की लालसा इच्छा उत्पन्न हुए,
और ऐसे व्यक्ति जो पे बोरे लखे, जो इस प्रेम की पीड़ा से, जो वेदना से, प्रेम की लालसा से जो अनभिज्ञ है, और उन ऐसे लोगों की बुद्धि तो क्या हो जाती है, सब बुद्धि चकी यानी विस्मित हो जाती है, चकित हो जाती है। ऐसे लोगों की जो उत्तम कोटि की प्रेम से जो अनभिज्ञ है, ऐसे लोग उनकी बात को विस्मित होकर के सुनते हैं, अर्थात उनकी चकित बुद्धि व चकित बुद्धि से उनको देखते रहते हैं। और जग की कविताई के धोखे रहे, गणानंद कवि कहते हैं कि जो संसार के जो और कवि है, रीतिबद्ध कवि है, उनकी कविताओं के धोखे में नहीं रहे। यहाँ परवीनन की मति जति, यानी हमारी इस कविता से, यहाँ पर यानी गणानंद की कविता को, इनकी कविता के लिए तो बड़े बड़े जो विद्वान है, परवीनन की मति जकी, यानी बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है इनकी इनकी कविता को समझने के लिए। बड़े बड़े मर्मज्ञ जो विद्वान हैं, उनकी बुद्धि भी चकराती है। काव्य के जो मर्मज्ञ दृष्टा भी गणानंद के प्रेम से भरी हुई गूढ़ जो बातें हैं, वो गंभीर बातों और रहस्यों को समझने में चकरा जाती है उनकी बुद्धि। और फिर तो जो सहृदय ही नहीं है, वो भला गणानंद की कविता को क्या समझे। देखिए इसी प्रकार से गणानंद जी कहते हैं कि मेरी कविता को रीतिबद्ध कवि की तुकबंदी की तरह नहीं है, समुझे कविता गणानंद की कविता, गणानंद की कविता को वही समझ सकता है जो ये आंखी ने नहीं है की पीरत की, जो हृदय की आंखों से, जिसने हृदय की आंखों से प्रेम की पीड़ा को देखा हो, जिसने अपने हृदय में प्रेम की वेदना को सहन किया हो, वही गणानंद की कविता को समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिसने हृदय की गहराइयों से प्रेम की पीड़ा का अनुभव नहीं किया है, वह गणानंद की कविता को समझे नहीं सकता। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है गणानंद जी के काव्य की गूढ़ता की ओर यहाँ पर संकेत किया है, और गणानंद जी के प्रेम, उनका काव्य बड़ा उच्च कोटि का प्रेम से परिपूर्ण काव्य है, प्रेम की व्यथा से भरा हुआ काव्य है। वैसे भी गणानंद जी को प्रेम की पीड़ा के कवि माने जाते हैं। और यहाँ पर जग की कविता का तात्पर्य है कि जैसे रीतिकाल के जो और कवि हैं, वो केवल घिसी पिटी उपमाएँ देते हैं, और जो शास्त्र में रटी रटाई बातें हैं, झूठी उक्तियाँ हैं, वो कहते हैं, और जो कि मेरी कविता में ऐसी नहीं है, मेरी कविता काव्य में आत्मा में प्रवेश करने की शक्ति से युक्त है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भाव हुआ है, मुहावरे उनकी छटा अच्छी है, सवैया छंद है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है, तो ये आप विशेष वाले पॉइंट में लिख देंगे। अगला देखिए कि रे ने दीना गुटी बो करे प्राण जरे अकिया दुखिया झरे नासी, प्रीतम की सुधी अंतर में कस के सखी जो पसुरीन में गासी, चो चंद बारिच भाईन के चहूँ और मचे वीर चे करी हाँसी, यो मरिए भरिए कहीं क्यों शुभ रोजिन को स्नेह की पासी, यो मरिए भरिए कहीं क्यों शुभ रोजिन को स्नेह की पासी। देखिए इस पद में, इस ये भी पद आपका सवैया छंद है, तो इसमें प्रस्तुत अवतरण गणानंद जी द्वारा रचित सुजान से प्रेम से उद्भित है, और इसमें कोई विरहिणी जो नायिका है उसका वर्णन किया गया है। वह विरहिणी नायिका प्रेम न करने की सलाह देती है, वह प्रेम दूसरों से प्रेम नहीं करने की बात कहती है। गणानंद जी कहते हैं कि वह विरहिणी प्रेमिका या नायिका कह रही है कि प्रेम करने से कोई फायदा नहीं है, कि सुजान प्रियतम से प्रेम करने से करने का परिणाम क्या हुआ कि मैं रात दिन, रेन दिना का मतलब होता है रात दिन, घुटी पो मैंने घुटती रहती हूँ, व्यथित रहती हूँ, पीड़ित रहती हूँ, करे प्राण मने प्राण, मेरे प्राण है वो रात दिन सुजान के सोच में, सुजान के प्रेम में रात दिन घुटते रहते हैं, जरे मने जरते हैं या आंसुधारा बहती आँखियाँ मैंने आँखों में, आँखों से दुखिया मैंने दुखिया जो आँखें हैं, दुख से भरी जो आँखें हैं वो झरने के समान, झरने सी मैंने समान या उपमा अलंकार हो गया, तो झरने के समान, प्रीतम मैंने प्रियतम सुजान की सुधी मैंने याद या स्मरण, अंतर मैंने हृदय में, कसके मैंने टीस या पीड़ा, सखी मैंने हे सखी जो मैंने जैसे, पंसुरीन मैंने पंसलियों में गांसी का अर्थ होता है गांठ या फोड़ा। तो अब देखिए इसका अर्थ चौचंद चार चबाइन का मतलब हो गया कि चारों ओर कहने से कोई फायदा नहीं है, इसका अर्थ हो गया कि चारों ओर कहने से, चौचंद बार चबाइन मैंने प्रेम की बातें हर लोगों से कहने पर, चहूँ ओर मैंने चारों ओर कहने से कोई फायदा नहीं होगा, मचे उल्टा क्या हो जाता है, मचे बिरचे मैंने कट्टु वचन को सुनने, मचे का मतलब तीखे कट्टु वचन, बिरचे का मतलब वचन है वो सुनने को मिलते हैं, और लोग क्या उड़ाते हैं,
हंसी, हंसी मैंने हंसी या उपहास उड़ाते हैं। देखिए आगे अर्थ इसका बताएंगे, यो मरियो मैंने इस प्रकार से मरने से कोई भला होने वाला नहीं है, इस प्रकार से इस तरह से मरना अच्छा नहीं है। बरिए कही, बरिए मैंने उचित नहीं है, कही मैंने कहिए, इस प्रकार से मरना भला कहाँ तक उचित है। क्यों सुप्रो, सुप्रो मैंने पढ़ना, पढ़ना जिन मैंने मत, को मैंने कोई, स्नेह मैंने प्रेम की फांसी, कि कोई भी प्रेम की फांसी में कोई नहीं पड़े। अब देखिए इसका अर्थ कि गणानंद कवि कहते हैं कि विरहिणी जो प्रेमिका है वो कह रही है कि ये सुजान तुम्हारे प्रेम का करने से मेरा क्या परिणाम हुआ, कि मैं रात दिन मेरे प्राण है वो घुटते रहते, रेन दिना घुटिबो करे प्राण, मेरे प्राण रात दिन घुटते रहते हैं और जो मेरी दुखियारी व्यतीत होते रहते हैं, इस कारण से इस दुख के कारण मेरी आँखें दुखियारी होती है और इस दुखिया भरी आँखों से झरने की तरह अश्रुधारा बहती रहती है। आँखों से क्या होती है, दुखियारी आँखों से रात दिन विरह वेदना के कारण दुखियारी आँखें जो है पीड़ित होती रहती है, रोती रहती है आँखें और झरने की तरह सुधारा बहती रहती है। हे सखी प्रीतम की सुधि अंतर में कसके, और प्रीतम हे सखी मेरे प्रीतम की जो याद है, स्मरण है, मधुर जो यादें हैं स्मरण है वो मेरे हृदय में इस प्रकार से कसके मैंने टीस मारती है, पीड़ित करती है मुझे, जिस प्रकार से सखी जो पसूरेने में गांसी, यानी जैसे पसलियों में गांठ हो जाए, पसली में जैसे कोई फोड़ा हो जाए, वो किस प्रकार से सालता है, टीसता है, चुभता है, उसी प्रकार से दर्द करता है, उसी प्रकार से मेरे प्रियतम की मधुर स्मृतियाँ मेरे हृदय को टीस मारती है, पीड़ित करती है, कसकती है। चौचंद चार चबाइन के चौं और मुवे मचे बिरंचे करी हाँसी, इस प्रकार से नायिका कहती है कि मेरे जो प्रेम संबंध को लेकर मैं यदि किसी दूसरे से भी कहूँ तो उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। चौचंद चार चबाइन के मैंने चारों ओर अगर मैं मेरे प्रेम की, प्रेम संबंध की बातें भी अगर करूँ, किसी से मेरे प्रेम के बारे में बात भी बताऊँ तो वह भी उचित नहीं है, इससे तो विरह वेता और बढ़ी जाएगी। क्योंकि इस प्रेम की कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी से मैं कहूँगी तो इससे सुख मिलने की अपेक्षा मुझे दुख ही मिलेगी, लोग तीखे वचन सुनेंगे, मचे बिरचे करियासी मैंने तीखे वचन सुनने को मिलेंगे और लोग मेरा उपहास या हंसी उड़ाएंगे। आगे देखिए, यो मरिए बरिए कही क्यों सुपरो जिन कोम सने की फांसी, इस प्रकार से नायिका कहती है कि इस प्रकार से यो मरिए बरिए कही, यानी इस प्रकार से मरना कहाँ तक उचित है। यो मैंने इस प्रकार से मरिए मैंने मरना, भरिए मैंने उचित है, कोई मैंने कहिए कि कहिए इस प्रकार से मरना कहाँ तक उचित है, कि सुपरो जिन कोम सने की फांसी, इसीलिए नायिका कह रही है, सलाह दे रही है कि इसीलिए कोई भी सुप्रो मैंने पढ़ना चाहिए, जिन मैंने मत को मैंने कोई भी स्नेह मैंने प्रेम की फांसी, यानी कोई भी प्रेम या स्नेह की फांसी में कोई भी ना पड़े, अर्थात कोई भी प्रेम का रोग कोई ना ले। इस तरह से एक पक्षीय जो प्रेम होता है वो बड़ा वेदनाकारी होता है, इसलिए जानबूझकर ऐसे प्रेम को नहीं अपनावे, इससे प्रिय वेदना भोगने के अलावा तो मरना ही अच्छा होता है। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है कि नायिका की विरह वेदना का लोकोचार रूप से सुंदर व्यंजना की गई है, अनुप्रास रूप का काव्यलिंग रूपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है, काव्यलिंग अलंकार का कारण से इस बात बताई है, अनुप्रास अलंकार है, साथ ही साथ उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार की प्राप्ति इसमें हो रही है, ब्रजभाषा है, सवैया छंद है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सवैया छंद है, काव्यलिंग अलंकार है और सवैया छंद की अति गति उचित है, इस प्रकार से आपको लिखना। आशा करता हूँ दोनों पद आपको महत्वपूर्ण समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे गणानंद जी के आगे पदों की, महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए इन दोनों ही सवैया जो छंद है, दोनों ही पद है, वो ठीक प्रकार से पढ़े, नोट्स बने, इनको याद भी करें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद विद्यार्थियों।